हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र का 10वां भाग लेके आई हूँ। ये हम 3000 MCQ कर रहे थे। बहुत दिनों बाद महिला सुपरवाइज़र का वीडियो लेके आई हूँ। टाइम नहीं मिल पा रहा था और MBPSC का जो प्री का एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा जल्दी है और महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम जो है वो जनवरी फरवरी मार्च यहीं तक जाएगा, क्योंकि कुछ सीट आप लोग सोच रहे होंगे अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, तो क्या है कि कुछ सीट जो है कुछ वैकेंसी होल्ड करके रखी हुई है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव भी है तो लोकसभा चुनाव के कारण इनको होल्ड करके रखा है कि ताकि जैसे ही ये वाला चुनाव जो हमारे मध्य प्रदेश का हो जाएगा पूरा मतगणना वगैरह जो भी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, आचार संहिता एंड हो जाएगी, तो उसके बाद जब वो लोकसभा चुनाव की लिए तैयारी करेंगे, उसका प्रमोशन करेंगे, तब ये जो कुछ वैकेंसीज हैं उनको होल्ड करके रखा है। लेकिन आना जरूरी है इसको, क्योंकि इसके लिए जो है रिक्त पद मांग लिए गए हैं और व्यापम को इसको निकालना है। मध्य प्रदेश में SI के पद भी इसलिए ही नहीं निकाले हैं, साथ में आपने देखा होगा वर्ग 2 पात्रता परीक्षा हो गई है लेकिन उसका भी एग्ज़ाम नहीं निकाला है, तो वो सब इसी के लिए इसी के कारण ही होल्ड करके रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। इसलिए आप सभी लोग तैयारी जारी रखिए। जिन लोगों ने भी मेरे नोट्स लिए हैं, नोट्स से आप लोग पूरा कंप्लीट कर लीजिए नोट्स को, फिर हम नोट्स के साथ आपको जो ग्रुप मिलेगा तो उसमें उस ग्रुप मिला उसमें तैयारी करवा ही रही थी। कुछ 2-3 दिनों 4-5 दिनों से मैं नहीं करवा रही हूँ, वहाँ पर भी शानदार तैयारी कराएंगे। नोट्स आप पढ़ के कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ये जो नोट्स के साथ आपको 3000 प्रश्नों की बुकलेट मिलती है उसमें जो क्वेश्चन है उसी से ही ये क्वेश्चन करा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम तो ये जो आरंभ हुआ था ये परिवार नियोजन के लिए हुआ था कि जो एक फैमिली है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा परिवार नियोजन हो, बच्चे ज़्यादा ना हो, ताकि सभी का एक सही तरीके से सुपोषित तरीके से जो है जीवन यापन हो पाए। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम है ये, जो परिवार कल्याण कार्यक्रम है, और ये दुनिया का भारत ऐसा पहला देश है जिसने इसको आरंभ किया था। और ये राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम आरंभ कब हुआ था? ये 1952 में हुआ था और भारत इसका पहला देश है जिसने ये आरंभ किया था। इसके अलावा जो परिवार कल्याण कार्यक्रम है उसमें बताया जाता है कि एक छोटा जो परिवार होता है वो आदर्श परिवार होता है। इसके अलावा जो परिवार कल्याण कार्यक्रम है 1952 में तो आरंभ हो गया था, 1994 में इसमें जो छोटा परिवार को बढ़ावा देने के लिए इस योजना पर कार्य किया जाता है। इस योजना में महिलाओं द्वारा ऑपरेशन कराने पर 400 रुपये और पुरुषों द्वारा ऑपरेशन कराने पर 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती थी। याद रखिएगा, यदि महिला ऑपरेशन कराएगी तो 400 रुपये और पुरुष ऑपरेशन कराएगा तो 500 रुपये। ये परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ही आरंभ किया था। इसका उद्देश्य माता को और शिशु को पौष्टिक आहार, पौष्टिक जीवन प्रदान करना भी था। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? एकीकृत मतलब होता है कि सभी जितने भी रोग हैं उनका एक जगह पे इलाज होना, ये एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। और एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम को 2004 में आरंभ किया। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि इसको किसने आरंभ किया, है ना, इसको IDSP भी बोलते हैं। IDSP का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। IDSP का मतलब एकीकृत रोग निगरानी, एकीकृत मतलब जितने भी रोग हैं उनका एक जगह पर ही इलाज कराना, और रोगों के प्रकोप का शीघ्रता से पता करने के लिए इसको आरंभ किया गया था। 2004 में इसको आरंभ किया गया, नवंबर 2004 में। और मैंने बोला किसकी सहायता से इसको आरंभ किया गया था, तो इसको विश्व बैंक की सहायता से आरंभ किया था। किसकी सहायता से? इसको विश्व बैंक की सहायता से आरंभ किया था, रोग के प्रकोप का शीघ्रता से पता लगाने के लिए इसका आरंभ किया गया। कब किया गया इसको? इसका आरंभ 2004 में किया गया। किसकी सहायता से किया गया? विश्व बैंक की सहायता से किया गया। अगला है, श्वसन तंत्र को कौन सा रोग प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को कौन सा रोग प्रभावित करता है?
देखो डेंगू करता नहीं है, डेंगू वायरस एड्स वायरस के कारण होता है। फाइलेरिया में पैर पे दिक्कत आती है, पैरों में सूजन आ जाती है, हाथी पांव जिसको बोलते हैं फाइलेरिया को, जो काली खांसी, खांसी में ही खांसी से पूरा तंत्रिका तंत्र जो है वो विफल हो जाता है। तो खांसी जो रोग होती है, या उसको बोल सकते हैं हम श्वसन रोग जो होते हैं, सांस रोग होते हैं, वो श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। यह साइनस से शुरू हो जाता है और वोकल गार्ड और फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसी के कारण फेफड़े का कैंसर, अस्थमा, टीवी, क्रोनिक आदि बीमारियां हो जाती हैं। तो इसको कुकर खांसी हो, काली खांसी हो, ये सभी खांसियां जो होती हैं वो श्वसन तंत्र को प्रभावित करती हैं। तो ये श्वसन रोग, काली खांसी आ गया, अस्थमा आ गया, इनको फेफड़ों के रूप में भी, फेफड़ों के रोग के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम कब आरंभ हुआ? इसको राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस प्रोग्राम भी कहा जाता है, और इसको, इसमें लक्ष्य है 2030 तक समाप्त करना है, ये भी याद रखना। और ये आरंभ हुआ था 28 जुलाई 2018 को। नेशनल वायरल हेपेटाइटिस प्रोग्राम कब आरंभ हुआ था? 28 जुलाई 2018 को आरंभ किया गया था। और इसमें क्या किया था कि इसमें बताया गया कि 2030 तक ये वायरल जो हेपेटाइटिस है उसको समाप्त करना है। कब तक? 2030 तक जो वायरल हेपेटाइटिस है उसको समाप्त करना है। आरंभ कब हुआ था? 2018 में हुआ था। इसके अलावा आपसे पूछें कि हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है वो कितने प्रकार की, तो ए, बी और सी प्रकार की होती है हेपेटाइटिस बी। एक वैज्ञानिक थे माइकल हाउटन, उन्होंने इस ये जो हेपेटाइटिस की जो श्रृंखला है उसका पता लगाया था। किसने लगाया था? हाउटन ने लगाया था। किसने? हाउटस ने, हाउटन ने लगाया था। और हेपेटाइटिस क्या होती है? हेपेटाइटिस में जो यकृत होता है वो सूज जाता है और उसको नुकसान पहुंचाता है। तो हेपेटाइटिस एक यकृत की सूजन की बीमारी है, ये भी आपको याद रखना है। और अगर ये जो हेपेटाइटिस है अनियंत्रित हो जाता है, रोगों के द्वारा भी इसका इलाज नहीं होता है, तो यकृत विफल हो जाता है और यकृत के कैंसर का, लीवर कैंसर का कारण भी बनता है। तो ए, बी, सॉरी तीन प्रकार के हो, चार प्रकार के होते हैं हेपेटाइटिस। एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है सी और एक होता है ई। ये चार प्रकार के होते हैं। और हेपेटाइटिस का जो ये जो प्रकार है, इनके किसने बताया था ये? तो ये बताया था हाउटन ने बताया था। और जो पहला हेपेटाइटिस, पहले टीका लगाया जाता था हेपेटाइटिस का, तो ये सबसे पहले कब विकसित हुआ था? 1991 में हेपेटाइटिस ए का टीका सबसे पहले अमेरिका में लगा था। कहाँ पे लगा था? अमेरिका में लगा था। और हेपेटाइटिस को यकृत शोथ भी बोला जाता है। आपको बोलें कि हेपेटाइटिस का दूसरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है यकृत शोथ। हेपेटाइटिस का दूसरा नाम क्या है? यकृत शोथ हेपेटाइटिस का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में याद रखिएगा कि इसमें कमेंट बॉक्स में मैंने एक चैनल बनाया है, जीके विद आकांक्षा का चैनल है, तो उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। साथ में महिला सुपरवाइज़र के लिए भी एक ग्रुप बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। जो लोग भी महिला सुपरवाइज़र की तैयारी सीरियसली करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी तैयारी को बंद मत रखिए, तैयारी चालू रखिए। जैसे ही आचार संहिता ख़त्म होगी, आपका वैकेंसी आने के पूरे ही चांसेस हैं, 100% चांसेस हैं, क्योंकि व्यापम के संज्ञान में ये वैकेंसी है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट सनराइज किससे संबंधित है? एड्स नियंत्रण, टीकाकरण, दृष्टिहीनता और मातृ मृत्यु दर को कम करना। तो ये 2016 में आया, सबसे पहले ये ध्यान रखो। प्रोजेक्ट सनराइज कब आया था? प्रोजेक्ट सनराइज 2016 में आया था, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा आया था? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2016 में आया था प्रोजेक्ट सनराइज। और जो उत्तर पूर्वी राज्य होते हैं वहाँ पर एचआईवी के फैलने से रोकने के लिए इसको आरंभ किया गया था, प्रोजेक्ट सनराइज को। और ये किससे संबंधित है? ये एड्स नियंत्रण से संबंधित है। तो याद रखना, प्रोजेक्ट सनराइज कब आया था? 2016 में आया था। कौन लाया था? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय लाए थे। क्या इसका उद्देश्य था? तो एड्स नियंत्रण इसका उद्देश्य था, या नशे के खिलाफ ये इसका उद्देश्य था। तो ये आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, संक्रामक रोगों के फैलने का क्या कारण। देखो संक्रामक रोग क्या होते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उनको संक्रामक रोग कहा जाता है। भोजन और जल से फैलते हैं, बिल्कुल फैलते हैं। अगर ये आप दूषित भोजन कर रहे हैं या एक कोई बीमार व्यक्ति है उसके साथ आप भोजन कर रहे हैं या उसका झूठा पानी पी रहे हैं तो फैल जाता है। वायु से, एक संक्रमित व्यक्ति के पास से वायु होती हुई गई है और वो आप तक पहुंची है, अगर आप उसके पास में बैठे हैं तो वो जनरली जाहिर सी बात है कि वो आपको भी वो बीमारी फैलने के पूरे चांसेस हैं। रोगी के आप बिल्कुल प्रत्यक्ष संपर्क में हैं, उसका झूठा खा रहे हैं, उसका यूज़ किया हुआ टॉवल आप यूज़ कर रहे हैं, तो इससे भी संक्रामक रोग फैलने के कारण है। उसका आंसर सभी हो जाएगा। अगला है, ई रक्तकोष पहल किससे संबंधित है। क्या बोल रहे हैं, ई रक्तकोष पहल किससे संबंधित है। रोगों के निवारण हेतु, शिशु स्वास्थ्य से, एकीकृत प्रणाली से या दृष्टिहीनता से। तो ई रक्तकोष का मतलब है कि यदि एकदम से किसी को ज़रूरत पड़ गई ब्लड की तो ऑनलाइन, मतलब ई मतलब है कि सभी के पास उससे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी के पास इसकी जानकारी पहुंच जाएगी और ये देश भर में जितने भी ब्लड बैंक हैं उनको जोड़ता है। जितने भी एक जगह पे अगर वो ब्लड है और दूसरी जगह पे नहीं है तो वो ये एक जगह पे ब्लड को उपलब्ध कराता है। तो ई रक्तकोष पहल किससे संबंधित है, एकीकृत ब्लड बैंक प्रणाली से है। इसमें क्या होता है कि देश भर में जितने भी ब्लड बैंक हैं उनको आपस में जोड़ता है। ई रक्तकोष जितने भी देश में ब्लड बैंक हैं उनको आपस में क्या करता है, जोड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एकीकृत ब्लड प्रणाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकीकृत डिजिटल ब्लड बैंक प्रणाली हो जाएगा। और ये जो रक्त प्रवाह को, एक किसी व्यक्ति को रक्त की ज़रूरत है तो उसको सुगम बनाता है, क्योंकि एक इस पे अगर कोई दर्ज कर देगा इस पोर्टल पर, ई रक्तकोष पोर्टल पर, कि इसकी ज़रूरत है, तो वो आसानी से दूसरी जगह पे, जहाँ पे देश भर में कहीं भी होगा ना, तो वो ब्लड आप उन तक पहुँच जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड ये मेरे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही सुपर डुपर ये नोट्स हैं। इसमें आपको टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं, साथ में आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलता है और एक वन लाइनर मिलता है। मैंने आपको पहले भी बोला है और अभी भी बोल रही हूँ कि एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट में होगा, अलग अलग एग्ज़ाम होगा, करीब 40-50 शिफ्ट में होगा। करीब 4-5 लाख लेडीज़ जो हैं फॉर्म भरेंगी, मिनिमम, ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं, तो शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। तो आप सोचिए कि आप एक बुक मार्केट से ले लें तो उसमें आपका कवर हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको एक हर तरह के प्रश्न आपको लगाना होगा, एक टॉपिक से जितने ज़्यादा प्रश्न होते हैं वो आपको लगाना होगा। यही कारण है कि मैं 2 प्रैक्टिस सेट इसमें ली हूँ, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का और एक वर्ल्ड लाइनर का। 2 प्रैक्टिस सेट लाने का मकसद मेरा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो सके। बाकी इसमें करंट का जो भी महिला पर्यवेक्षक के सिलेबस से संबंधित डाटा है वो भी कवर किया है, और जो भी पूरा सिलेबस है बहुत शानदार भाषा में तैयार कराया गया है। हैंड रिटन ये नोट्स हैं, इसमें ICMR रिपोर्ट 2020 हो, चाहे बजट से संबंधित, महिलाओं और बच्चों से संबंधित फैक्टो, स्वास्थ्य नीति से संबंधित फैक्टो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो 5 हुआ है उससे संबंधित रिपोर्ट, सब कुछ इसमें कवर किया है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो इसका चार्ज है 1399 प्लस 100 रुपीज़ इसका कुरियर चार्ज है। इसे आप भारत में कहीं भी मंगवा सकते हैं। आपको मुझे व्हाट्सअप करके बोलना है कि मैम हमको ये नोट्स लेना है और आपको अपना फिर एड्रेस भेजना है, देन मैं आपको पेमेंट नंबर दूंगी, आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देना है, 6-7 वर्किंग डेज़ में आपके पास पहुंच जाएंगे। सबसे मेन बात इसके साथ मिलेगा आपको ग्रुप, तो जैसे ही चुनाव एंड होते हैं इस ग्रुप में हम आपको इतनी शानदार तैयारी करवाएंगे। नोट्स तो नोट्स ही हैं, आपको सिंगल सिंगल भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन भेजेंगे जो एग्ज़ाम में 100% आना है। मतलब ये ग्रुप आपको ऑनलाइन तैयारी का काम करेगा और ये जो बुक्स आपके घर पहुँचेंगे ये ऑफलाइन नोट्स का काम करेगा। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर ये दिया हुआ है 6260190944। आप एक बार नोट कर लीजिए, 6260190944, 6260 है ये, है ना, 6260190944 ये मेरा नंबर है। आपको मुझे इस पर व्हाट्सएप करना है, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी वहाँ पे भी आप मेरा नंबर फाइंड कर सकते हैं। इसके ये देख सकते हैं, ये 7 बुकलेट आपके पास प्लस एक ग्रुप आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आरोग्य निधि प्रोग्राम का उद्देश्य। जैसा कि आपको इसके नाम में ही समझ में आ रहा है, राष्ट्रीय आरोग्य निधि, निधि का मतलब क्या होता है? पैसा होता है, वित्त होता है। तो वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आरोग्य का मतलब होता है रोगी को, तो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग आते हैं उनको उनको अच्छे से अच्छे अस्पताल में, सरकारी अस्पतालों में उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, उसके लिए उसको वित्त प्रदान किया जाता है। और वित्तीय सहायता एक मुफ्त अनुदान के रूप में आरंभ दी जाती है, और इसका आरंभ जो हुआ था 2008 में हुआ था। राष्ट्रीय आरोग्य निधि का गठन 1 अप्रैल 2008 को हुआ था, और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा हुआ था। और किसके लिए ये योजना आरंभ की गई थी? बीपीएल, मतलब जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उनके लिए ये राष्ट्रीय आरोग्य निधि प्रोग्राम का आरंभ किया गया था। कब किया गया था? 2008 में किया गया था। गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज देने के लिए इसका आरंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब आरंभ हुई? ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि जन आरोग्य मतलब जन जन तक, जन जो जन जन है उसको रोगों से मुक्त करने के लिए इसका आरंभ किया गया था। हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए इसका आरंभ किया गया था 23 सितंबर 2018 को। 23 सितंबर 2018 को इसको आरंभ किया गया था, और इसका शुभारंभ जो हुआ था वो रांची से हुआ था, झारखंड की कैपिटल रांची, जहाँ से MS धोनी बिलोंग करते हैं वहाँ से इसको आरंभ किया गया था। और इसमें क्या होता है, भारत के सरकारी और निजी अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कवरेज दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 5 लाख रुपए तक का कवरेज दिया जाता है। और निजी अस्पतालों और सरकारी अस्पताल दोनों में ये लाभ दिया जाता है, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए। भी आपको ध्यान रखना है किसके लिए, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए इसको दिया जाता है। तो ये सभी फैक्ट इसकी याद रखिएगा, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का। और इसका दूसरा नाम जो है वो आयुष्मान भारत योजना है, जिसको अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कहा जाता है। 5 लाख, ये भी आपको बिल्कुल रटे ले लेना है कि आयुष्मान भारत योजना में या जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कितने लाख रुपये तक का कवरेज दिया जाता है। तो 5 लाख रुपये तक का हेल्थ कवरेज दिया जाता है, और इससे करीब 50 करोड़ लोगों का फ़ायदा होगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। आपसे पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना कौन सी है, तो यही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। कहीं कहीं पर ये 10 अगस्त भी लिखा गया है, लेकिन इसका ये जो चरण है वो 10 अगस्त को आरंभ किया गया, लेकिन ये जो मनाया जाता है वो 10 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा? स्वास्थ्य, अगर 10 फरवरी ऑप्शन में नहीं आए, 10 अगस्त आए, तो आप 10 अगस्त इसका आंसर लगाइएगा। और संक्रमण के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन, आशा है आपको पसंद आए होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।